नमस्कार दोस्तों, मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में रोल ओवर क्या होता है। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखेंगे। आइए फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, रोल ओवर का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड करना। अब स्टॉक मार्केट में रोल ओवर क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, जो रोल ओवर किया जाता है वो सिर्फ फ्यूचर्स मार्केट में रोल ओवर किया जाता है। कैश मार्केट में, इक्विटी मार्केट में रोल ओवर का कोई भी रोल नहीं है। जो लोग इक्विटी मार्केट, कैश मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनको रोल ओवर से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं उनको रोल ओवर समझना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग कैश में ट्रेडिंग करते हैं वो कैश में ही ट्रेडिंग करते रहें। फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना वैसे भी छाती को माथी लगाने वाली बात है। फ्यूचर्स में रोल ओवर होता है, और फ्यूचर्स में मतलब सिर्फ फ्यूचर्स में ही रोल ओवर होता है, ऑप्शंस में रोल ओवर नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, रोल ओवर कैसे होता है। मान लो आपने फ्यूचर्स में किसी महीने का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया। मान लो आपने ये नवंबर महीने का रिलायंस का एक लॉट खरीद लिया। ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, एक्सपायरी के दिन आपको उस लॉट को स्क्वायर अप नहीं करना है, ना ही ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप होने देना है। तो आपके पास में एक ऑप्शन होता है रोल ओवर करने का। आप सेम पोजिशन को नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा कि जो करंट मंथ की जो पोजीशन है उसको स्क्वायर अप करना पड़ेगा, मतलब जो रिलायंस का एक लॉट आपने खरीद के रखा हुआ है उसको बेचना पड़ेगा, और नेक्स्ट मंथ में मतलब दिसंबर में सेम पोजीशन आपको खड़ी करना पड़ेगा, मतलब सेम एक लॉट दिसंबर में आपको बाय करना पड़ेगा। इसको बोला जाता है रोल ओवर करना। देखिए फ्रेंड्स, रोल ओवर दो तरीके से किया जाता है। एक तरीका तो यह है कि करंट मंथ की पोजीशन स्क्वायर अप कर दी और नेक्स्ट मंथ की पोजीशन खड़ी कर दी, ये हो गया रोल ओवर एक तरीके से करना। बट ये थोड़ा महंगा पड़ता है इन सेंस ऑफ टैक्सेस इसमें ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि दो अलग अलग ट्रेड हो गए। इस मंथ की पोजीशन स्क्वायर अप की, नेक्स्ट मंथ की पोजीशन खड़ी की, तो दो अलग अलग ट्रेड हो गए, सर टैक्सेस इसमें ज़्यादा लग जाते हैं। तो इसके लिए एक दूसरा ऑप्शन है स्प्रेड विंडो का। तो स्प्रेड विंडो के थ्रू रोल ओवर करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वहाँ पे आपका टैक्सेस बच जाता है। स्प्रेड विंडो में क्या होता है कि एक सिंगल ऑर्डर आपको डालना पड़ता है टर्मिनल पे। वो सिंगल ऑर्डर जैसे ही आप पंच करोगे, करंट मंथ की पोजीशन आपकी स्क्वायर अप हो जाएंगी और नेक्स्ट मंथ की पोजीशन ऑटोमेटिकली खड़ी हो जाएंगी। तो ये जो आपका इक्विटी डीलर है वो आपको ये इजीली बता देगा कि स्प्रेड विंडो क्या है और किस तरीके से वो उसमें रोल ओवर हम कर सकते हैं। अब रोल ओवर करने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो रोल ओवर करने के कारण तो वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, बट बेसिकली कारण यही होता है कि ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी ट्रेडर को ये लग रहा है कि मैंने जो इस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, इस मंथ का जो एक लॉट खरीदा है वो प्राइस इसमें वे नीचे है, मुझे लॉस हो रहा है, मैं लॉस बुक नहीं करना चाहता हूँ, तो बेटर है कि मैं नेक्स्ट मंथ में पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर लूँ। इस तरीके से रोल ओवर लोग करते हैं। या फिर किसी को लग रहा है कि इस महीने तो बढ़ गया शेयर्स, नेक्स्ट महीने और बढ़ सकता है, तो उस हिसाब से भी वो लोग रोल ओवर कर सकते हैं। तो रोल ओवर करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। बाय। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मनी और मजा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।